नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इंडिया रजिस्टर्स स्ट्रांग प्रोटेस्ट। तो क्या प्रोटेस्ट है, इंडिया ने किया है यूएस अथॉरिटीज को अगेंस्ट द सस्टेनेंस पैकेज ऑफ F-16 फ्लीट। तो क्या है ये प्रोटेस्ट, जो $450 मिलियन का जो सस्टेनेंस पैकेज डिक्लेयर किया गया है यूएस के द्वारा कि पाकिस्तान को दिया जाएगा, तो क्या प्रोटेस्ट है उसके बारे में ही अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या है ये, बेसिकली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूएस की प्रेसिडेंट है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया कि पाकिस्तान को जो F-16 फ्लीट है उसका मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन दिया जाएगा। Basically, in 2018, the Donald Trump administration back then, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि पाकिस्तान को कोई भी मिलिट्री असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा। ओके? तो ये एक रिवर्सल है, जो मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक रिवर्स कर रही है, उसको बदल रही है, बदल के पाकिस्तान को जो पैकेज है वो देने का निर्णय लिया है। तो इसका रीज़न क्या बताया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन मिनिस्ट्री है, जिसको वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट कहा जाता है, कि पाकिस्तान को प्रिपेयर रखना होगा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए। पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में अपने आप को प्रिपेयर कर सके हमेशा, तो उसके लिए उसको ये जो सस्टेनेंस पैकेज बोला जा रहा है वो दिया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में ये बोल के मतलब ये जो असिस्टेंस है उसको रोक दिया था कि पाकिस्तान ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, जो एंटी टेररिज्म फाइट है उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान, उसके लिए पाकिस्तान कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब कोई मिलिट्री मतलब असिस्टेंस जो है पाकिस्तान को देना बंद कर दिया था 2018 में। तो अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन लोगों का ये कहना है कि ये पैकेज पाकिस्तान को इसलिए दिया गया है ताकि पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट एक्शन ले सके। और जो पेंटागन है, जहाँ पे यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री बेस है, वो ये बोल रहे हैं कि ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान को ये पैकेज दिया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान जो मतलब यूएस है या यूएस की जो दूसरी एलाइज हैं उनके साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये मानना है पेंटागन का, जो यूएस का जो मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको हाउस करती है, और यूएस की जो डिफेंस मतलब एस्टेब्लिशमेंट है उसको हाउस करती है। तो ये सब को लेकर भारत ने प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया रजिस्टर्स स्ट्रांग प्रोटेस्ट विथ यूएस। ओके? तो आज दिन में ये खबर देखने को मिल गया था हमें। तो इंडिया ने स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है इस डिसीजन को लेकर। तो जो मिस्टर डोनाल्ड लू है वो भारत के दौरे में आए हुए थे जब ये पैकेज का डिक्लेरेशन किया गया था। तो मिस्टर डोनाल्ड लू कौन है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स। तो मिस्टर डोनाल्ड लू एक ऑफिशियल है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, जो मतलब साउथ और सेंट्रल एशिया अफेयर्स देखते हैं। तो द पैकेज अप्रूवल वॉज गिवेन एट ए टाइम, तो मतलब जब मिस्टर डोनाल्ड लू इंडिया के दौरे पर थे तभी ये पैकेज को डिक्लेयर किया गया था। तो वो बेसिकली एक 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग और मैरिटाइम सिक्योरिटी डायलॉग के लिए इंडिया आए हुए थे। तो इंडिया ने क्या मतलब प्रोटेस्ट किया है बेसिकली, को जब यूएस ऐसा कोई डिसीजन लेती है को जो मिलिट्री एड वगैरह देने की बात है, तो एक्चुअली और वो भी पाकिस्तान को, तो एक्चुअली इंडिया को पूछ लेना चाहिए था, इंडिया से कंसल्ट कर लेना चाहिए था कि इंडिया की क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, क्या इंडिया को कोई कंसर्न हो सकती है कि अगर पाकिस्तान को ऐसा कोई पैकेज दिया जाए। तो मगर ऐसा नहीं किया, तो इसलिए इंडिया ने यूएस को बोला कि आप लोगों को ज़्यादा माइंडफुल होना पड़ेगा अगर आप लोग ऐसे कोई विषय पर डील कर रहे हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो अभी इंडिया का भी कंसर्न है, इंडिया का मेन कंसर्न क्या है, जो ये जो F-16 प्लेन्स दिया जा रहा है, प्लेन्स तो है पाकिस्तान के पास, मगर जो इसकी मेंटेनेंस के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये F-16 प्लेन्स कभी इंडिया के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट कितना फाइट करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अगर इंडिया के साथ कोई वार जैसा सिचुएशन हो तब पाकिस्तान क्या कर सकते हैं, ये F-16 प्लेन्स को इंडिया के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बालाकोट में देखिए, बालाकोट स्ट्राइक के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया का जो एयर स्पेस है उसको ब्रीच किया, और ब्रीच करने में पाकिस्तान ये F-16 ही मतलब लाया था ब्रीच करने के लिए। तो मगर पाकिस्तान का F-16 इंडिया के अगेंस्ट फाइट वॉर करने के लिए, फाइट करने के लिए नहीं दिया गया है, मेनली एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए ही दिया गया है। तो ये बात है, और ये इंडिया का एक मेजर कंसर्न है जो पैकेज दिया है उस पैकेज के अगेंस्ट में। तो अभी US अचानक जो ये पैकेज क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को, देखिए अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि जो अलकायदा का लीडर है अयमान अल जवाहिरी, उसको US अफगानिस्तान में ही काबुल के अंदर एक ऑपरेशन के द्वारा मार डालते हैं। तो यूएस को अभी भी लगता होगा कि तालिबान जो है अभी जो अलकायदा के लीडर्स है उसको कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में शेल्टर कर रही है। तो अभी भी अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इलाका हो, बॉर्डर हो, उसमें अभी भी ISIS और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन एक्टिव हो सकती है, और उसमें कोई एंटी यूएस जैसी कुछ मतलब कुछ काम हो सकते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और यूएस गवर्नमेंट यही चाहती है कि पाकिस्तान से कि आप उन जो टेररिस्ट है जो उधर पर हो सकती है, जो उस इलाके की जो पीस है उसको मतलब डिस्ट्रॉय करना चाहती है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई ऑफेंसिव करे पाकिस्तान के एयरफोर्स, शायद यही यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट चाहती है। तो शायद इसीलिए भी पाकिस्तान को मतलब ये सस्टेनेंस पैकेज दिया जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मतलब ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि इंडिया क्यों प्रोटेस्ट कर रही है और इंडिया का कंसर्न्स क्या है, इससे क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ऐसा कोई टेररिस्ट ऑपरेशन या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन होता है कि नहीं, मगर अभी के लिए इंडिया का ही कंसर्न है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।